हम करते जयकार तुम्हारी। पावन महिमा गाए Oh।
समझाया। सागर मन थन करो बतलाया, अमृत पाओगे, पी के अमर तुम हो जाओगे। मन की देवी लक्ष्मी माँ, सदा तुम्हारी जय हो माँ। हो कोई भी तुमको मार न पाए, राजपाठ तुम्हें फिर मिल जाए। सागर मंथन सबने कराया, सब देवों ने अमृत पाया। हो देव और दानव दोनों आए, अमृत और विष दोनों पाए। हो अमर हो गए देवता सारे, अमृत पी लिया कोई न मारे। हो देवों ने दुष्टों को हराया, राजपाठ सब वापस पाया। सागर मंथन जब था कराया, माँ लक्ष्मी को भी था पाया।
लक्ष्मी जी को सबने पाया। विष्णु जी ने उन्हें अपनाया।
जल भर कर तुम लाओ। विष्णु जी पे जल को चढ़ाओ। भाग्य जगाए धन की देवी लक्ष्मी माँ, सदा तुम्हारी जय हो माँ। ओ, जिस घर रहती साफ सफाई, उस घर में माँ लक्ष्मी जी आई। ओ, शुभ दीपावली जब है आती, माँ लक्ष्मी है पूजी जाती। तुम्हारे दर्शन पाए सबके कर दो बारे न्यारे।
अवतार लिया। अति बलशाली हिरण्याक्ष का पल भर में संहार किया। पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रभु ने बड़ा अवतार लिया। अति बलशाली हिरण्याक्ष का पल भर में संहार किया। खोज के पृथ्वी को जब लाए देव अंबर से फूल बरसाए। सफल हो जाए ऐसी महिमा है गुणगान की। जीवन सफल हो जाए ऐसी महिमा है गुणगान की। जय विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। कृष्ण रूप में प्रभु आए। कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाषा सिखलाए। जब बड़ा अत्याचार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए। कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाषा सिखलाए। काल ने महाभारत करवाया कृष्ण ने धर्म ध्वजा लहराया। हैं सब लोग ये बातें सारी वेद पुराण की। जानते हैं सब लोग ये बातें सारी वेद पुराण की। जय विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। राज रावण को मार के संतों का उद्धार किए। धरती का संताप मिटाने राम जी का अवतार लिए। राक्षस राज रावण को मार के संतों का उद्धार किए। राम प्रभु मर्यादा सिखलाए सबके दिल में राम समाए। निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की। वचन निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की। जय विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिए ये जमाने को। नरसिंह रूप किए धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को। भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिए ये जमाने। प्रभु जी हिरण्यकश्यप को मारे परम भक्त प्रह्लाद को मारे। निराली मेरे प्रभु के आन बान और शान की। बात निराली मेरे प्रभु के आन बान और शान की। जय विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की।
आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। मिलकर सारे मंगल गाओ, मिलकर सारे मंगल गाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। भाग्य उदय हो गया है मेरा, माँ के दर्शन पाए हैं। आज खुशी के मारे मेरा मनवा भी हर्षाए हैं। जल्दी आओ चौक पुराओ, जल्दी आओ चौक पुराओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई कमल पुष्प पर माता विराजे, साथ में सुख और समृद्धि। धन और वैभव को भी माता अपने संग लेकर चलती। अपनी झोली सब फैलाओ, अपनी झोली सब फैलाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। माँ की दया की रोशनी से तो दुख के अंधेरे छटने लगे, ऐसा अमृत छलकाया है, खुद ब खुद दुख मिटने लगे। भक्तों माँ का ध्यान लगाओ, भक्तों माँ का ध्यान लगाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है।
जी प्रभु आपका रूप बड़ानो, केवल दर्शन मात्र से मिलता है अति सुख। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें कमल, दूसरे हाथ गदा, तीजे सुदर्शन चक्र है, चौथे शंख धरा। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें भगवान की करता है जो सेवा, उस साधक को मिलती है मन चाही मेवा। दुख के बादल दूर हो, सुख की छाया मिले, हरि नाम की नाव तो बिन पतवार चले। जब जब जग में पाप बढ़ा, लिए हरि अवतार, दुष्ट दलन करते प्रभु भक्तों पर उपकार। कभी राम कभी श्याम बने, कभी ये परशुराम, कपिल मुनि कभी बुद्ध बने, कभी वामन भगवान।
के खुल जाएंगे तेरे सारे द्वार, श्री हर विष्णु जी का बन जा सेवादार, अपने सेवक पर सदा करते हरि उपकार, इनकी कृपा के बिना शून्य है ये संसार। हरि रूप है हरि का है संसार, जहाँ भी देखते हैं वहाँ हरि का है आकार। भंडार जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम।
लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी की कथा सुनाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। माँ लक्ष्मी की कथा सुनाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। माँ लक्ष्मी की कथा सुनाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। पति पत्नी थे उनकी एक ही संतान। छोटा सा परिवार गरीबी से था बड़ा परेशान। छोटा सा परिवार गरीबी से था बड़ा परेशान। प्रिय भक्तों, आज आपको हम कथा सुनाते हैं गरीब की दिवाली। किसी शहर में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी के बीच एक ही पुत्र था। उनका छोटा परिवार होते हुए भी वे गरीबी से बहुत ही परेशान थे। छोटा सा परिवार गरीबी से था बड़ा परेशान। ध्यान वो निस्दिन माँ का धरते, पति पत्नी संग पूजा करते। ध्यान वो निस्दिन माँ का धरते, पति पत्नी संग पूजा करते। रहने के लिए उनका था एक टूटा हुआ मकान। रहने के लिए उनका था एक टूटा हुआ मकान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। पत्नी दूसरों के घर जाकर चौका बर्तन करती। पति मजदूरी करके लाता तब ही गृहस्थी चलती। पति मजदूरी करके लाता तब ही गृहस्थी चलती। पति का नाम श्याम, पत्नी का नाम राधा और पुत्र का नाम रामू था। श्याम गांव में जाकर के मजदूरी करता था और उसकी पत्नी राधा घरों में जाकर चौका बर्तन करती थी, तब ही उनकी गृहस्थी चल पाती थी। पति मजदूरी करके लाता तब ही गृहस्थी चलती। रामू पुत्र बड़ा ही प्यारा, पति पत्नी के आँखों का तारा। रामू पुत्र बड़ा ही प्यारा, पति पत्नी के आँखों का तारा। रामू अपने माता पिता का करता बड़ा सम्मान। रामू अपने माता पिता का करता बड़ा सम्मान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ।
बहुत बीमार। दोनों जब बीमार पड़े तो राम हुआ लाचार। दोनों जब बीमार पड़े तो राम हुआ लाचार। अचानक रामू के माता पिता बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। रामू दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है और उनको उनका हाल बताता है। डॉक्टर बिना पैसा लिए आने से मना कर देता है। दोनों जब बीमार पड़े तो रामू हुआ लाचार। रामू अस्पताल में आया, डॉक्टर को सब हाल सुनाया। रामू अस्पताल में आया, डॉक्टर को सब हाल सुनाया। डॉक्टर बोला भाग यहाँ से, निकल जाने दे प्राण। डॉक्टर बोला भाग यहाँ से, निकल जाने दे प्राण। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। देखा प्रसाद वहाँ से पाया। प्रसाद लेकर रामू वापिस अपने घर को आया। प्रसाद लेकर रामू वापिस अपने घर को आया। जब निराश होकर के रामू अपने घर को आता है, तब रास्ते में उसे माँ लक्ष्मी का मंदिर दिखाई देता है। वहाँ जाकर वो प्रसाद लेता है और अपने घर आता है और प्रसाद अपने माता पिता को खिलाता है। तो भक्त जनों, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। प्रसाद लेकर रामू वापिस अपने घर को आया। उसको लेते ही प्रसाद आई माता पिता की याद। उसको लेते ही प्रसाद आई माता पिता की याद। माता पिता को खिलाने के लिए घर को किया प्रस्थान। माता पिता को खिलाने के लिए घर को किया प्रस्थान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। नए नए सब कपड़े पहने, खाए खूब मिठाई। देखा साथियों को तो रामू की आंखें भर आई। देखा साथियों को तो रामू की आंखें भर आई। रामू दीपावली के दिन अपने साथियों को सुंदर कपड़े पहने और मिठाई खाते देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और महालक्ष्मी माँ के मंदिर जाके माँ से कहता है, माँ अपने लोगों को इतना परेशान क्यों करती हो। देखा साथियों को तो रामू की आंखें भर आई। लक्ष्मी माँ के मंदिर आया, माँ के सामने आंसू बहाया। लक्ष्मी माँ के मंदिर आया, माँ के सामने आंसू बहाया। बोला महालक्ष्मी से गरीबों को क्यों करे परेशान। बोला महालक्ष्मी से गरीबों को क्यों करे परेशान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ।
ऊंट का लड़का दौड़ सड़क पे आया, उसको बचाने के चक्कर में रामू चोट है खाया। उसको बचाने के चक्कर में रामू चोट है खाया। एक बार की बात है, एक अमीर सेठ का लड़का दौड़ कर सड़क पर आ जाता है। कार उसको धक्का मारने ही वाली थी कि रामू दौड़ कर उसकी जान बचा लेता है। उसकी जान तो बच जाती है, पर रामू के पैर पर कार का पहिया चढ़ जाता है, जिससे उसका पाँव टूट जाता है। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। उसको बचाने के चक्कर में रामू चोट है खाया। रामू के पैर पे चढ़ गई कार, कार वाला हुआ फरार। रामू के पैर पे चढ़ गई कार, कार वाला हुआ फरार। पैर टूटा रामू का लड़के की बचाई जान। पैर टूटा रामू का लड़के की बचाई जान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। देखा दुर्घटना तो रामू के पास में आया। सेठ बोला रामू से, मेरे बेटे को तूने बचाया। सेठ बोला रामू से, मेरे बेटे को तूने बचाया। जैसे ही सेठ को ये सारी घटना के बारे में पता चलता है, वो दौड़ के वहाँ आता है और रामू को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। वहाँ उसका इलाज होने के बाद उसे उसके घर वापस ले जाता है। सेठ बोला रामू से, मेरे बेटे को तूने बचाया। चल मैं तेरी दवा कराऊं, तुझको तेरे घर पहुँचाऊं। चल मैं तेरी दवा कराऊं, तुझको तेरे घर पहुँचाऊं। रामू को लेके रामू के घर सेठ किया प्रस्थान। राम को लेके रामू के घर सेठ किया प्रस्थान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। पिता को देख के सेठ बहुत घबराया। रामू संग रामू के माता पिता की दवा करवाया। रामू संग रामू के माता पिता की दवा करवाया। जब सेठ रामू को लेकर उसके घर पहुंचता है, वहां वो देखता है कि रामू के माता पिता भी बीमार हैं। फिर सेठ उनके माता पिता को भी ले जाकर उनका इलाज करवाता है और उन्हें उनके घर वापस छोड़ कर जाता है। रामू संग रामू के माता पिता की दवा करवाया। अच्छे डॉक्टर को बुलाया, तीनों का इलाज करवाया। अच्छे डॉक्टर को बुलाया, तीनों का इलाज करवाया। सेठ के रूप में महालक्ष्मी माँ हो गई मेहरबान। सेठ के रूप में महालक्ष्मी माँ हो गई मेहरबान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ।
स्वस्थ हुए तो सेठ रामू के घर आया। तीनों को रहने के लिए एक सुंदर घर बनवाया। तीनों को रहने के लिए एक सुंदर घर बनवाया। तीनों जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तो सेठ एक दिन रामू के घर आता है और तीनों को रहने के लिए एक सुंदर मकान बनवाता है। सेठ रामू को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है और कुछ दिन बाद अपनी बेटी से रामू की शादी करवाता है। तो इस प्रकार दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से रामू के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। तीनों को रहने के लिए एक सुंदर घर बनवाया। घर में खुशी का दिन है आया, नौकरी अपने यहाँ लगाया। घर में खुशी का दिन है आया, नौकरी अपने यहाँ लगाया। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी ने किया कल्याण। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी ने किया कल्याण। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी।